निशु देशवाल को तो सभी लोग जानते होंगे और बहुत से लोग तो टोचन किंग के नाम से भी जानते हैं, जिनका मौत 26 फरवरी को हुआ था। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी पत्नी ने कहा इतना बड़ा बात जिसे सुनकर निशु देशवाल के परिवार वाले और निशु देशवाल के फैंस सभी चौंक गए। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कहा निशु देशवाल की पत्नी ने। लेकिन उससे पहले हल्का सा टोचन किंग के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे टोचन किंग ने ट्रैक्टर स्टंट करना 2017 में शुरू किया था और 2023 में तो उन्हें लगभग आधा इंडिया जानने लगा था। लेकिन उनकी एक गलती ने उन्हें हमसे दूर कर दिया। अगर निशु देशवाल उस दिन यमुना नदी के किनारे स्टंट करने नहीं जाते तो शायद हमारे बीच होते। अब चलो जानते हैं कि निशु देशवाल की पत्नी ने आखिर क्या कहा। लेकिन उससे पहले दोस्तों श्रीराम जी का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेईमानी मत करना, क्योंकि जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था राम जी ने उनका एक इच्छा पूरा किया। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो सब्सक्राइब करके देख लो। और जाते जाते कमेंट में निशु देशवाल के लिए ओम शांति जरूर लिखे। तो दोस्तों उनकी पत्नी ने कहा है मैंने निशु देशवाल को तो खो दिया है, लेकिन अब अपने बेटे को ट्रैक्टर से दूर रखूंगी क्योंकि अब इसे नहीं खोना चाहती हूँ।